गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आपको इस व्लॉग में एक अच्छी सी न्यू रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये आमतौर सबके घर में बनाया जाता है, बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है और सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब इसे बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत मज़े इंजॉय करते हैं। तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो गाइस आप भी सोचिए कि मैं कौन सी रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा चुटकी हुआ नमक, और आप डाल सकते हैं अजवाइन और थोड़ा नमक डालकर, और इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल या घी डालकर आप इसको अच्छे से इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करिए। इसे बोलते हैं कि खस्ता होना चाहिए, इसीलिए हम इसको अच्छे से मिलाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ताकि म्योन देते हैं। म्योन मतलब अच्छे से मिलाना, मतलब मैदे में तेल का अच्छे से मिक्स हो जाना, इसी को म्योन बोलते हैं, मतलब अच्छे से मिक्स करना। तो गाइस देखिए, मैं आप इसको मिला रही हूँ, देखिए ये गट्टी गट्टी सी बन जा रही है, मतलब लड्डू लड्डू सा बन जा रहा है जब मैं इसको हाथ में ले रही हूँ तो ये, और ये फूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अच्छे से म्योन हो गया है। और इसमें गाइस बहुत टाइम लगता है, तो देखिए इसे रिक्स मैंने किया और अब हमारा हो चुका है रेडी। और अब हम इसमें बीच में मैंने थोड़ा होल बना रही हूँ, गड्ढा कर रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी पानी, और आप थोड़ा नॉर्मल पानी दे और इसको थोड़ा थोड़ा कर कर ही इस मैदे आटा को अच्छे से गूँथें। जैसे हम आटा सानते हैं उसी तरीके से बनाना होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है, तो उसी तरीके से आप करिए और ऐसे ही बनाते रहिए। तो गाइस हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसी तरीके से आटे को गूँथते जाएंगे ताकि ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला। तो मैं इसी तरीके से देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके और कम कम पानी लेके इस आटे को गूँथ रही हूँ मैं, देखो, और इसी तरीके से हम इसको अच्छे से गूँथेंगे। तो गाइस मैंने पहले इसमें मिक्स कर लिया था अजवाइन वगैरह, तो आप स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं, और इसको ऐसी इसी तरीके से धीरे धीरे करके अच्छे से गूँथिए, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है म्योन देना और अच्छे से गूँथना। अगर ये अच्छे से आपने नहीं किया तो आपका जो आप बनाने जा रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो गाइस देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ पे कर रही हूँ ताकि हमारा अच्छे से गूँथे और हमारा अच्छा सा हो। देखिए गाइस, तो मेरा हाफ हाफ मतलब हो चुका है, इतना मैंने कर लिया है, और देखिए अब हमारा किस तरीके से मैदा लग रहा है। तो देखिए इसमें आपको अजवाइन वगैरह दिख रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक से जो दिख रहे हैं उसमें अजवाइन वगैरह है। तो गाइस जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं और उस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, तो गाइस ऐसे ही बनता है। और देखिए इसको मैंने इसी तरीके से मुलायम हाथों से गूँथ रही हूँ, ज़्यादा गीला भी नहीं है और ना ज़्यादा टाइट है, नॉर्मल है। और इसी तरीके से देखिए इसको ऐसे ही करते रहें ताकि अच्छे से हमारा अच्छे से गूँथ जाए और सही हो जाए, तभी हमारा जो हम बनाने जा रहे हैं वो अच्छे से बनेगा। तो देखिए गाइस ये हमारा सेट हो चुका है, और इसको हम आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे सेट होने के लिए, जब तक ये और अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए गाइस ये हमारा हो चुका है, आधे घंटे बाद मैं इसको निकाली हूँ और इसको फिर से दोबारा एक बार अच्छे से फिर दोबारा मतलब गूँथ रही हूँ ताकि जो होगा तो वो अच्छे से दोबारा अच्छे से हो जाएगा, गूँथ जाएगा। तो देखिए गाइस ये हो चुका है, और देखिए पैप किस तरह से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अब तो गाइस इसको मैं गोल गोल में कट कर लूँगी, तोड़ लूँगी जिस तरह से हमें बनाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है, लोइया बना ली होंगी क्योंकि अब हमें इसको छानना है कट करके। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, इसको गोल लोइया बना लिया है, तो इस तरीके से मैं कर लेंगे। तो गाइस इतने आटे में हमारा इतना बन जाएगा। तो गाइस हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ा हम ज़्यादा ही करते हैं कुछ बनाते, थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और एक साइड मैंने कढ़ाई रख दिया है, और कढ़ाई में देखिए रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मैंने, और वो गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है जब तक हम क्या करते हैं कि एक तरफ से लोया बनाकर और बेलना शुरू कर देती हूँ मैं। तो देखिए गाइस इस तरह से ही बनाना पड़ता है, तो बहुत ही मेहनत वाला काम है, ऐसे नहीं बन जाता है। अगर आपका अच्छा बना तो सोचिए कि आपकी मेहनत सफल हो गई, अगर अच्छा नहीं बना तो इसका मतलब मेहनत बेकार हो गया। तो गाइस बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है ये सब चीज़ें, इसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है ताकि हमारा कुछ ख़राब ना हो और अच्छे से बन जाए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं लोया कर रही हूँ, और अब मैंने इसको बेलूँगी। तो गाइस ये थोड़ा टाइट हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ।
तो इस तरीके से हम करेंगे। तो गाइस देखिए, और मैंने फटाफट से इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा मतलब होता है, जल्दी बिलाता मतलब बेल नहीं पाते हैं। तो गाइस इसलिए मैंने इसको स्लेब पर बेला है, साफ़ सुथरा कर लिया था, पहले ही मैंने पोंछ लिया था अच्छे से, और उसी पे इसे अच्छे से बेल रही हूँ। देखिए कितना टाइम लग रहा है इसको करने में। तो गाइस ये बार बार सिकुड़ जा रही थी, तो देखिए इसी तरीके से होता है, पर फिर भी ये हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। तो देखिए इसी को मैं इस तरह से कर रही हूँ, और देखिए इतना बड़ा मैंने स्लेब पे इसलिए किया है कि ताकि बड़ा हो जाएगा और हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं इस पर। तो देखिए ये हमारा इतना बड़ा हो चुका है, और इसे मैं चाकू से कट करूँगी। तो देखिए गाइस मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, ज़रूर देखिए। और इसी तरीके से आप बनाइए घर पे, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप कैसे भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। देखिए ये बना रही हूँ नमकीन, नमक पारी बोलते हैं, नमकीन पारी बोलते हैं, बहुत तरह का नाम है, नमकीन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। देखिए तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और देखिए अब हमारा कट हो चुका है। देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है, देखिए गाइस इस तरीके से कट गया है मैंने, और ये इस तरह से दिख रहा है। आपको भी इस तरीके से कट करना है, देखिए आपको दिख गया होगा अब कैसे कट किया है मैंने, तो इस तरीके से। और देखिए ज़्यादा मोटा भी नहीं बेला है मैंने, ना ज़्यादा पतला। और देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुकी है, और हम इसमें फटाफट से डाल देंगे। तो देखिए ऑयल मेरी ज़्यादा गर्म नहीं थी, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं थी, ना ज़्यादा ठंडा था, नॉर्मल था। तो मैंने डाल के पहले थोड़ा सा निकाल लिया कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए सही था, तो मुझे दिख रहा है कि सही है, तो मैंने और भी फटाफट से इसमें डालना शुरू कर दिया। देखिए तो मैं इसमें सारे सारे जितने भी हैं सारे डाल दी हूँ, और इसे की करके ही डाला है मैंने ताकि चिपके ना आपस में। तो देखिए गाइस इस तरीके से ही, तो देखिए गाइस इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बनता अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस इसको आप चाय के साथ किसी से भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में तो खासकर सब लोग बहुत पसंद है, सबको ये बहुत अच्छा खाते हैं, इसलिए हमने सोचा इस तरह क्यों ना घर पे ही बनाया जाए, तो इसीलिए हमने घर पे बनाया। और देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि कुरकुरा भी क्रिस्पी बना है, और उसको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत क्रिस्पी बना था, अच्छा बना था। तो सबने घर पे सबको अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किए सब। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैंने बनाया, और इसी तरीके से मैं करते करते सारा जितना भी हमने लोया काटा था सबको ऐसे ही बनाऊंगी। तो देखिए मैं फटाफट से मैं बेल रही हूँ, और फटाफट से मैं इसको छानूंगी। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो गाइस मैं ये दिन में बना रही थी क्योंकि सुबह लंच तैयार था, तो सोचा दिन में फ्री रहते हैं, तो इसलिए मैंने दिन में बनाया था। ठीक गाइस तो देखिए मैंने इसको मैंने फटाफट से कट किया है, और इसको भी जल्दी जल्दी से कट कर रही हूँ। तो गाइस आप जैसा आपको अच्छा लगता है, आप अगर आपको लगता है पतले पतले या मोटे मोटे, तो आप किस तरह भी कट साइज़ में आप कट कर सकते हैं और अपने इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे मीडियम साइज़ में इसको कट किया है मैंने, और इसी तरीके से बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे ही बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है, देखिए इतना अच्छे से बना था ये, बहुत ही सबको मज़ा आया, सबको ने बहुत अच्छे से खाया था, और इसी तरीके से इसको मैं बनाती रहूँगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरा आँच देखिए मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है मेरा, मतलब नॉर्मल पे गैस मैंने किया है, और इसको कम आँच पे देखिए इसी तरीके से मैं इसको गूंज रही हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा तेज़ आँच नहीं है, इसको कम पे ही कर रही हूँ मैं। तो देखिए इसी तरीके से आप छानिए, और बहुत अच्छे स्वादिष्ट बने। तो देखिए मम्मी भी यहाँ पे दीदी को दिखा रही थी कि देखिए वो हमारे घर में ये बना है, तो ये कैसा बना है, दीदी भी देख रही है कि हाँ। तो मम्मी दीदी को दिखा रही थी कि देखो ऐसे बना है, तो सही बना था, अच्छा बना था। तो वही दीदी देख रही हैं, तो मम्मी दीदी को दिखाई, मम्मी को भी अच्छा लगा ऐसे बना। और गाइस देखिए उसके बाद देखिए अब ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद किस तरीके से दिख रहा है, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और देखिए इसको आपको तोड़ के दिखा दो, देखिए बिल्कुल खस्ता हो रखा है बिल्कुल अंदर से। तो गाइस अब इसे वो डब्बे में कंटेनर में करके रख देंगे, ताकि जब हमारा मन करे तब हम इसको खा सके। और गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉगिंग अभी बाकी है। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।